हेलो दोस्तों, फ्राइडे फनी में आपका स्वागत है। जयमाला पहनाते ही दुल्हन का चढ़ा पारा, दूल्हे को चढ़ दिए थप्पड़। पलक झपकते ही पांच लोग गिरे बरसाती नाले में, और साथ में एक बाइक भी। पबजी खेलते खेलते हो गया प्यार। दूल्हे के दोस्त की हरकत देख के नहीं रुकेगी आपकी हंसी। ऐसी पीने मारे पांच सेकंड में पांच थप्पड़। मंदिर की खिड़की में अटक गया चोर। बच्चे को नहीं जाना स्कूल, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। आशिक रोक नहीं पाया आंसू, रो पड़ा नाई की दुकान पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्राइडे फनी न्यूज में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक वीडियो आया सामने। शादी समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम में दुल्हन दूल्हे को थप्पड़ मारते हुए नजर आई। जैसे ही वरमाला पहनाई, दुल्हन का दिमाग गर्म हो गया। दूल्हे को मारा थप्पड़ पे थप्पड़। इसलिए मेरे दोस्तों, सावधान रहे, सतर्क रहे। जैसलमेर में जोधपुर रोड पर थी पंचर की दुकान। दुकान के आगे था बरसाती नाला। नाले के ऊपर बैठकर पंचर वाला रोज पंचर बनाता था, लेकिन एक दिन नाले को गुस्सा आया और पंचर वाले के साथ चार और लोगों को निगल गया, और साथ में एक बाइक भी। तो मेरे दोस्तों, नाला भी निकल सकता है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। आजकल की जनरेशन गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। ऐसे ही थे लड़का महेश और लड़की बिपाना। दोनों लूडो में मिले, पबजी में बातचीत की और फिर कर ली सगाई। यह है उसकी फोटो। तो मैं भी गेमिंग करता हूँ, लड़कियों मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं भी इसी आस पे खेलता हूँ। लड़की मिले या ना मिले, आशा अमर है। शादी में दोस्त ने की ऐसी हरकत, पैसों के हार से चुरा रहा था पैसा। अपनी शादी में हम दोस्तों से क्या उम्मीद रखते हैं कि बस रिश्तेदारों के सामने वो हमको गाली ना दे। लेकिन दोस्तों, पैसे चुराने वाले दोस्त भी होते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे। कानपुर के ग्वालाटोली क्षेत्र में छेड़खानी की शिकायत मिलते ही एसीपी पहुंच गए। एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे ने 5 सेकंड में 5 थप्पड़ लगा दिए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक चोर श्री जानी यालम्मा मंदिर की खिड़की तोड़कर चोरी करने घुसा। देवी के आभूषण चुराकर उसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की में ही अटक गया। अपना दौड़ रहा है।
हमने हमेशा सुना कानून के हाथ लंबे होते हैं और देवी जी ने इस बार मदद करके कानून के हाथ और भी लंबे कर दिए। एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने जिसमें बच्चे की माँ बच्चे को स्कूल भेजने जा रही है, लेकिन बच्चा इतना हरामी है साला स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो देखिए वीडियो। यह वीडियो देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई और आपको भी शायद आपके बचपन के दिन याद आ गए होंगे। नाई की दुकान में अक्सर गाने बजते रहते हैं। तो एक लड़का आया सलून के पास बाल कटवाने, तभी एक गाना बजा, अजनबी तुम हो जाओ गैर हम हो ना सकेंगे, किसी बेगाने की खातिर तुमने अपनों को भुला दिया। वो गाना सुनकर वो लड़का रो पड़ा और ये देखकर वहां के सारे लोग हंसने लगे। सलून वालों से कृपया करके निवेदन है ऐसा गाने ना बजाएं। और आप भी अपने फीलिंग को काबू में रखें, उस पर कंट्रोल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज के न्यूज खत्म हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सावधान करें, सतर्क शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।